दोस्तों, कैसी है फैमिली? आई होप सो हेड फिट एंड परफेक्ट होने वाले। तो गुड मॉर्निंग, कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली? भाई मज़ेदार होगी भाई। तो आज का भाई जो राइड होगा, थंबनेल तो देख लिया होगा, थोड़े बहुत क्लिप्स देख लिया होंगे आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। एंड आई एम नॉट श्योर कि भाई ये पूरा एक वीडियो में आने वाला है कि मल्टीपल ऑफ वीडियोज आने वाले हैं। इसके लिए उम्मीद तो यही है कि एक ही वीडियो में अगर आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन यार एक वीडियो में मज़ा कहाँ आता है बॉयज। आपको सब कुछ दिखाएंगे हम लोगों ने क्या मस्ती की, क्या कुछ नहीं किया। तो अभी का जो टाइम हो रहा है भाई, वो अराउंड अभी 6 बजने वाले हैं। लवी भैया ने 6 बजे बोला था, तो आज मैं ऑन टाइम पहुंचूंगा वहाँ पे, एग्जैक्टली 6 o'clock। एंड लवी भैया को धप्पा करेंगे कि भैया आपने जितने टाइम बोला उस टाइम पहुंच गए। एंड बहुत लोग बोल रहे थे भाई KTM तुम चलाते हो तो बहुत कम चलाते हो, और चलाते हो तो भाई अब KTM चलाने में तुम किट नहीं पहनते। किसने बोला भाई हम पूरी किट पहन चलते हैं? भाई मैंने क्या बोला, जब लॉन्ग ट्रिप्स होती है ना तब हम पहनते हैं भाई किट वेट, वरना आसपास के लिए तो भाई चलो ठीक है भाई। पहले आदत थी मानता हूँ, अजीब सा था, बट अब ठीक है भाई, अब चल जाता है अपन का। एंड आज की राइड भाई, हम लोग जा रहे हैं एक क्या बोलते हैं मंदिर जा रहे हैं हम लोग भाई, उसे का नाम है शोभन सरकार। कानपुर वाले लोग अपने नीचे कमेंट करके बताओ भाई, कभी गए हो कि नहीं गए, यार नाम सुना है कि नहीं सुना, मुझे कमेंट करके बताओ भाई कौन है यार इतनी धूल उड़ा रहा है यार सुबह सुबह। ओहो रॉयल एनफील्ड यहाँ पर भी खुल गया भाई, मेरे घर के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे शोरूम खुलते जा रहे हैं भाई। यार जो मिट्टी है ना भाई, ये नाक दर्द कर रही मेरे। ओहो ठंडी ठंडी हवा, मजा आ गया बॉयज, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। आज इस भाई में भी खींचेंगे थोड़ा सा। भाई जान तो घोड़े में आज भी है भाई, इस 125 cc के हिसाब से भाई 14 गियर पे 100 अराउंड पहुंच रही है भाई। अच्छा ये ट्रक वाला था ग्राहक। ओ शिट 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 शिट, क्या बात है भाई, 14 में भी 100, 5 में भी 100, लेकिन ठीक है यार इस बाइक के हिसाब से भाई बहुत है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देंगे। ठीक है भाई, ये बाइक भगाने के लिए नहीं, ये बाइक एंजॉय करने के लिए। जब अपने पास नहीं थी ना बाइक तो हम इसको ही भाई फरारी बना के चलाते थे बॉयज। ये बताओ आपके पास कौन सी फरारी, कमेंट करके बताओ, उस फरारी का नाम क्या है बताओ बॉयज। तो भाई आज लवी भैया ने निकाली है अपनी यूसोंग GTR, ये 650 नाम से है बट ये है 250 cc। एंड एक चीज़ और बतानी है, आज मैं घर से ये सोच कर रहा था, अगर भैया ने मुझसे वादा किया ना कि यूसोंग निकलेगी 10R नहीं निकलेगी, तो मैं पहले यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा था कि एक बार देखता अगर 10R की आवाज़ अगर मेरे को आज आ गई तो आज कुछ ना कुछ कलेश मचता, कुछ ना कुछ लड़ाई होती है। भैया मुझे आज RC बुला ली अपने 10R निकाले, लेकिन आज अपनी बराबर नहीं, भाई से बराबर तब भी नहीं बोलेंगे, है 250 बट स्टिल अच्छी खासी स्पीड में चली जाती है बाइक। एंड इसका अगर आपने कलेश देखा नहीं है तो भाई मेरी अयोध्या वाली राइड की पूरी ट्रिप देखना भाई, पता चल जाएगा इसके साथ क्या क्या हुआ था, बहुत परेशान हुए थे। एंड बाकी बहुत सारी बातें ना अभी वहीं चल के आपसे बातें करेंगे। एंड चलते हैं भाई अब रोड में, क्योंकि भाई अभी ईजान भाई भी आ रहे हैं तो उनको भी पकड़ना पड़ेगा कि ईजान भाई बैठो यार, नहीं वो अपनी गाड़ी में आ रहा है लेकिन वो रास्ते ही मिलेगा हमको। हाँ भाई मैंने देखने में तो बड़ी प्यारी लगती है यार, पता नहीं कुछ बाइक्स लगती हैं प्यारी बट इंडिया में लोगों को लेट समझ में आता है कि भाई ये बाइक ना थोड़ी वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी बाइक है। और यहाँ पर हमारे साथ और भी बाइक्स हैं, 2 R15 V3 चल रही है भाई, वो ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, बंदे ने बहुत प्यारा मॉड करवा रखा है भाई, मतलब क्यूट लग रही है बाइक। एंड जो अभी आगे तो यूसोंग निकल गई है भैया, यूसोंग खींच रहे हैं, मैं सबसे अभी भी सबसे छोटी सीसी वाला बाइक हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि भाई हमेशा बड़ी सीसी बाइक लेके भाई मज़े काटे भाई, कभी कभार होता है ना छोटी सीसी लेके लोगों को धीरे करो, वैसे भी बड़ी सीसी लेकर भी मैं लोगों को धीरे ही करवा देता हूँ, धीरे इन द सेंस सबसे पीछे चलने वाला बंदा मैं ही हूँ। तो यहाँ पे 2 R15 चल रही है, एक FZ चल रही है, एंड सबसे आगे अपनी यूसोंग, अभी ईजान भाई आएंगे तो FZX आ जाएगी। तो देखते हैं भाई अभी और कौन कौन आ रहा है, होपफुली भाई इससे ज़्यादा लोग ना हो तो भाई ठीक है, इसमें मज़े काट लेंगे अपन। वैसे भी आज संडे है, मैं तो कल जब भैया का फ़ोन आया था ना मैं तो ये बोला था भैया संडे आ गया, सच बताओ कल संडे है, मतलब इवन तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा इतनी जल्दी हफ्ता कैसे कट गया मेरा, सोचो बॉयज कितने बिजी चल रहे अपन लोग। एंड आज मेरे को मिलेगा मौका GTR चलाने का बॉयज, इतनी रेयरेस्ट बाइक है, मैंने यूसोंग की भाई एक बाइक आती थी एक्वेलिया, मैंने वो चलाई बट ये मैंने नहीं चलाई GTR, बट आज चला के देखेंगे, जबकि ये राइड में गई थी हमारे साथ बट मैंने इसको राइड नहीं किया था, कोई नहीं आज चला लेंगे भाई, देखते हैं भाई क्या मज़ा है इस बाइक का।
भैया तो बोलते हैं भाई 200 टच करते हैं, 250 सीसी हो गए भाई 200 टच। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरी 200 सीसी है भाई, 140 आती है, 150 आती है, 170, 180। भाई ये GTR है, 250 सीसी है भाई, 200 पार करती है गाड़ी। ये इंडिया की बाइक नहीं, मतलब इंडिया की वैसे भी कौन सी यमा है, बट यार ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल बाइक है यार। सच बताऊँ तो वी ट्विन सिलेंडर में आती है, तो भाई काफ़ी मज़ेदार बाइक है यार। मैं सबसे पीछे ही चल रहा हूँ यार वैसे। कोई फिलअप हो गया है, रवि भाई GTR लेकर आ रहे हैं, उधर सामने खड़े हैं भाई अपने इज्जू बेबी। और मेरी इज्जू बेबी कैसी है? बढ़िया भाई। इतने सारे क्लेश होने के बाद आखिरकार आज आए राइड पे अच्छे से। क्लेश लेकिन आज भी है। ओए इजान, क्लेश आज भी है। कुछ ना कुछ बना ही हुआ है यार खराब। बस ये कि यार जो ये वाली बाइक है ना यूसोंग, इसमें ना हल्के हल्के ऐसा लग रहा है जैसे ये धुआं छोड़ रही है, मतलब धुआं तो छोड़ ही रही है बट इंजन में थोड़ा सा बर्न कर रही है। इवन तो मैं स्मेल कर सकता हूँ और कैमरे में इतना जस्टिफाइड नहीं हूँ, बहुत पतला सा ब्लू ब्लू कलर निकल रहा है। और ब्लू कलर का मतलब क्या है, इंजन में आपका चल रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर में चल रहा है। अगर वाइट चल रहा है तो मतलब नॉर्मल चल रहा है, बट पूरा कम्प्लीटली बर्न आउट हो रहा है। वो रेस लगाएगा, रेस लगाएगा भैया। मजा आ गया था कदम से। अरे देखा ट्रेन ड्राइवर दिखा रहा था कि भाई लगा मजे आ रहे ट्रेन में। जो ड्राइवर लोको पायलट बैठा था वो ऐसे दिखा रहा है कि भगाओ तुम भगाओ आगे। लोको पायलट कौन था? तुम मेरे घर आए हो? नहीं नए वाले घर आए हो? हाँ हाँ उसमें एक भैया रहते हैं, वो है वही थे भैया। तभी तो भैया उन्होंने देख के हमको मजे दिया कि हम समझ गए भाई आज मजे हो गए, कंटेंट बन गया हमारा। पूरी बाइक वहीं से और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गलती से दूसरे, मैं सोचा तीसरे गियर में दूसरे में डालूं, भगाऊं आगे, पहले में पहुंच गई खट से। मैं एकदम जैसे रुकने लग गया, मैंने कौन सा गियर पड़ गया गाड़ी में। और अभी दूसरी बार ट्रक आ गया सामने, इसमें
ठीक है मेरी गाड़ी, हमने दोनों ब्रेक में चलती चलती गाड़ी ऐसी हो गई, और बीच में देखा सांड लड़ रहे हैं और ट्रक वाले ऐसे मोड़ दिए, मैं डर के एकदम से, मैंने लगा ब्रेक नहीं लगी, मैं ट्रक में छुआ देता। देखा ट्रक आ रहा है, अब उसने हाथ दिखाया, हमने ब्रेक मारी तब जाके वहां रुक गए, मैं बिल्कुल ट्रक के पास रुका था जाके। लेकिन आज हम लोग उसी रास्ते में जा रहे हैं जहाँ से हम लोग पहले कभी वहाँ जाया करते थे रेस करने के लिए, रेस ट्रैक जाया करते थे। अगर किसी को याद ना हो तो मेरी लॉन्ग वीडियो सबसे जो वायरल गई है ना 400K कुछ 450K पहुँच गई है जो, वो इसी रास्ते जाया करते थे भाई, आज भी याद है। लेकिन अभी बाइक्स नहीं, लेकिन अभी ये लोग आ चुके हैं, मैं उस दिन आ नहीं पाया था भाई, थोड़ा गाड़ी में दिक्कत था, गाड़ी में काम चल रहा था, एंड उसी दिन लवी भैया ने बनाया था रिकॉर्ड 299 का, बॉयस कोई नहीं हम भी बनाएंगे, हम 399 का बनाएंगे। लवी भैया को पता नहीं हमारे पास सुपर बाइक्स बहुत सारी हैं, तो आज हम लोग इस गाड़ी में चल रहे हैं। कोई नहीं यार भाई, क्या पता मूड बदल गया किस दिन वहाँ झट से पहुँच गए भाई, फिर वहाँ पे वही कंटेंट बनाएंगे। आप लोगों को अगर वही कंटेंट पसंद आता ना तो हम लोग वही बनाएंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना भाई, सेफ्टी मैटर, सेफ्टी करो, एंड कुछ हमको कॉपी मत करो। एंड दीदी को देखो, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया एंड पास ले दीदी राइट मुड़ गया है, दीदी राइट ही मुड़ने वाली थी, इंडिकेटर बंद कर दिया, लगता हमारी बात सुन ली दीदी ने, मैंने ज़्यादा जोर से तो नहीं बोल दिया भाई, पास ले दीदी ने सुन लिया, कितने गंदे लोग हैं ये। भाई इससे तेज तो मेरा जीनोसो का हॉर्न है भाई, लेकिन कोई नहीं भाई, देखा रिएक्शन मिल जाते हैं अपन को कभी कभार। आई रिएक्शन ना भाई, मुझे लगता है मुझे किट से मिलते हैं भाई, मुझे बाइक से नहीं मिलते रिएक्शन, मुझे किट से मिलते हैं, जब बाइक होती है तो ज़्यादा सेक्सी लगते हैं बस। भैया चलान काटने वाले हैं, भैया भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उन्हें, एंड हमारे साथ राइड में भाई एक हिमालयन भी जुड़ गई है, जो आगे आगे जा रही है ना हिमालयन, एक हिमालयन भी जुड़ गई है। तो चलो भाई, भाई गलियों के बीच से लोग कहाँ से लेकर आ गए यार, या फिर मैं इतने टाइम बाद आ रहा हूँ तो मुझे गलियाँ लग रही हैं ये, आंटी ऊपर से पानी गिराते हुए। तो भाई जो जो सुबह सुबह नहीं नहा कर आया हमारे राइड में, वो ऐसे लोगों के नीचे से गाड़ी निकालते जानबूझ के ताकि नहाने को मिल जाए फ्री में। अच्छा हम उस रोड से आया करते थे, मिलते यहीं पर थे, देखो आज गाइस आपको दिखाते हैं क्रेन, बड़ी वाली क्रेन, आपने कभी देखी है क्रेन? पता है आपने कभी देखी नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं, और अगर देखी नहीं तो चुपचाप देखो, ये भाई ये क्रेन नहीं है, ये मेट्रो बनाने के लिए काम आती है भाई, कितना बड़ा है यार भाई, टायर देख रहे हो इसके, अरे ये मशीन छोड़ो भाई, ये ट्रक देखो कितना पावरफुल होगा भाई, मज़ेदार लग रहा है ट्रक देखने में। कौन सी कंपनी का है यार? वॉल्वो भाई, ये कंपनी भाई जहाज गाड़ी है भाई। वैसे मैं इस रोड पे ना भाई 2-2.5 साल बाद आ रहा हूँ, मतलब काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं, बट यार मतलब कि पुरानी चीज़ें याद आती है ना, कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था यहीं पर आया करते थे, तो मतलब अच्छा लगता है। अब पता नहीं ऐसे ग्रो हो गया, वो कंटेंट बनाया नहीं हम लोगों ने बहुत टाइम से, तो भाई यहाँ आना छोड़ दिया। अब मैं तो चलो थोड़ा स्लो स्लो चल रहा था ना, तो भैया लोगों ने बोला कि अभी तुम आगे निकलो, हम आ रहे धीरे धीरे, तब वो आएंगे पीछे पीछे, हम आगे आगे, मतलब फ्री में लीडिंग मिल जाती मेरे को। एंड वैसे भी तेज जाके भाई क्या ही करना, संडे है ना भाई, आराम से संडे काटेंगे, मज़ा आता है भाई, इनको भी लेट कराएंगे खुद भी लेट होंगे आगे। भैया की यही कंप्लेंट रहती है भाई, बहुत धीरे चलते हो, बहुत धीरे। अब भैया आपकी तरह टनार तो है नहीं हमारे पास, ये देखो ये देखो,